हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम हमारे पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले टॉपिक में एग्जीक्यूटिव का कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे हम, पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है, तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि हम लोगों ने जब प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा था तो मैंने आपको इलेक्शन प्रोसेस और ये सारी चीजें बता दी थी, लेकिन हमें अगर इस इंस्टीट्यूशन को इनडेप्थ समझना है तो हमें यह भी समझना होगा कि पावर्स क्या क्या होती है प्राइम मिनिस्टर के पास में, तो वही पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहली चीज, प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स, ठीक है। अब यहां पे क्या देखेंगे आप कि चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हर चीज को आप क्या ग्राउंड लेवल पे लाके समझने की कोशिश किया करो। जैसे आपका स्कूल है, ठीक, आपके स्कूल में आपने देखा होगा कैबिनेट बनता है, ठीक है, कैबिनेट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनता है, कोई कल्चरल मिनिस्टर बनता है, कोई डिसिप्लिन मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे को जो बहुत सिंसियर रहता है उसे डिसिप्लिन मिनिस्टर बना देते हैं, और फिर वो क्या करता है, नेल्स चेक करता रहता है, शूज पॉलिश किए नहीं किए वो चेक करता रहता है, तो वो परेशान करता बहुत, ठीक। तो इस तरह से आपके स्कूल में भी क्या बनता है, कैबिनेट बनता है, और कैबिनेट को हेड कौन करता है, कैबिनेट को हेड करता है हेड बॉय और हेड गर्ल, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि कंट्री में भी एक कैबिनेट की जरूरत होती है आपको, वो कैबिनेट अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग इश्यूज के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज कि इन मिनिस्टर्स को आपस में कोऑर्डिनेशन कर, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन का बना रहे, उस चीज को संभालने के लिए एक हेड भी तो चाहिए रहता है। तो हेड कौन होता है, हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की पहली पावर क्या है कि प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। तो जितने भी कैबिनेट मीटिंग्स होते हैं आपस में कैबिनेट के बीच में, मतलब एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के काम में बाधा ना बने, एक मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्री के बीच में काम स्मूथली चलता रहे, तो इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करवाने में कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ही टेक्स द फाइनल डिसीजन, मिनिस्ट्री सारा अपना अपना काम करती है, और कौन सी मिनिस्ट्री क्या करेगी इस चीज पे फाइनल डिसीजन लेने का काम भी कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इस सेंस में आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर को इसीलिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनी है और जो गवर्नमेंट काम करेगी तो उसको हेड कौन कर रहा है, उस गवर्नमेंट को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, क्लियर। अब और आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं, ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ही क्या करते हैं, सारे मिनिस्टर्स को काम देते हैं, ठीक है, सारे मिनिस्टर्स को वो, ही डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द वर्क, ठीक है, एंड कैन डिसमिस मिनिस्टर। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट किया है एक कार्टून के थ्रू, ये देखिएगा, ठीक है, ये इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस समय का कार्टून है, उस समय की पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है ये कार्टून। देखिए क्या हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की पोजिशन है, वो एक टेबल पे है और उनकी टेबल पर सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। तो मतलब ये बताता है, क्या बता रहा है ये, मतलब सिंबॉलिक अगर मीनिंग समझने की कोशिश करो इस कार्टून की, तो सिंबॉलिक मीनिंग क्या है इसका, सिंबॉलिक मीनिंग इसका सिंपल सा यही है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर जो होती है वो इमेंस होती है, ठीक है। कैबिनेट होता है पूरा, नो डाउट कैबिनेट के पास में पावर होती है, लेकिन कैबिनेट में भी जो पावरफुल होता है सबसे ज्यादा वो कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर की पावर का अंदाजा आप इस कार्टून के थ्रू लगा सकते हैं, क्लियर। ये कार्टून वही दर्शाना चाह रहा, बताना चाह रहा कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर की पावर क्या है, जैसे जो पावर इंदिरा गांधी का कार्टून बनाया, तो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जैसे इंदिरा गांधी वॉज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है, बहुत जो भी डिसीजन लेती थी बहुत बोल्डली डिसीजन लेती थी, वो मेजोरिटी थी उनके पास में, तो इस सेंस में इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल लीडर की तरह इमर्ज होकर आई थी हमारी कंट्री में, क्लियर। अब देखो वापस से आते हैं, तो आए समझ में, ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, वो मिनिस्टर्स को काम देती हैं, काम रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और उन्हें अगर ऐसा लगता है कोई काम सही नहीं कर रहा है तो वो डिसमिस भी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर किसको डिसमिस कर सकते हैं, मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को। और देखते हैं कि समय के साथ में हमने देखते गए चीजें ऐसी इवॉल्व होते चले गई कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज थी उन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को किसके साथ में रिलेट किया गया, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ में। मतलब जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी हो गई है, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो गई है। तो आप भी इसी तरह से सिर खुजाल रहे होंगे अभी कि क्या बोलना चाह रहे हो। तो सिंपल सी चीज़ है कि पार्लियामेंट में हमने देखा कैबिनेट काम कर रहा है, ठीक है। अब कैबिनेट में भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल पोजीशन किसकी हो गई, प्राइम मिनिस्टर की हो गई। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो सिंगल पर्सन सेंट्रिक हो गई है, सारी पावर एक इंसान के पास में आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर के पास में इमेंस पावर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास में ही है, प्राइम मिनिस्टर से पावर छुड़ाई भी जा सकती है। हम आगे से देखा था कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट जो कंट्रोल करती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, अगर मेजोरिटी नहीं है तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम देखें अगर तो प्राइम मिनिस्टर के पास में पावर होती है। अब देखो यहां पर क्या है कि
यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है पावर को प्राइम मिनिस्टर की, कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं तो हर प्राइम मिनिस्टर, हर पॉलिटिकल लीडर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएटेड होता है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हो तो आप प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल भी रहेगा ना, तो आप पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। आप चुनाव लड़ते हो, चुनाव लड़ने के बाद में आप जीतते हो, जीतने के बाद में आप क्या करते हो, गवर्नमेंट बनाते हो, गवर्नमेंट बनाने के बाद में आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हो, कांग्रेचुलेशंस। अब जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी प्राइम मिनिस्टर वाली जो पोजिशन है उस इंस्टीट्यूशन को किस तरह से यूज करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को शो करने के लिए। आया समझ में? तो वही आपकी बुक में भी बताया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो काम होता है तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम अपने अपने द्वारा बनाए गए प्राइम मिनिस्टर के थ्रू करवाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर देश चलाते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो जीतती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता है वो पॉलिटिकल पार्टी देश चलाती है। आया समझ में? फिर अगली चीज क्या है कि मीडिया भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसको, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को। जैसे क्या होता है कि मीडिया अगर बताती है चीज़ों को, ऐसे डिपिक्ट करती है कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग है, ये प्राइम मिनिस्टर वीक है, तो उस हिसाब से चीज़ें होती है। जैसे क्या होता है कि हमने देखा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी, तो ये लोग ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इमेंस पॉपुलर सपोर्ट इन्जॉय करते हैं, लोगों का सपोर्ट इनके पास में मेजोरिटी है, और इनका काम करने का तरीका भी क्या है, काम करने का तरीका भी बहुत अलग है। कैसे बहुत अलग है कि ये बोल्डली डिसीजंस लेते हैं, सारे डिसीजंस बोल्डली लेते हैं। सारे डिसीजंस जब आप बोल्डली ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने हिसाब से। और वहाँ पर मीडिया आपकी इमेज को कंस्ट्रक्ट करने में, आपकी इमेज को डिस्ट्रक्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आया समझ में? यह हो गया। फिर हम और देखते हैं और क्या पावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिपेंड्स अपॉन द पर्सनालिटी ऑफ पर्सन होल्डिंग दैट पोजीशन। तो वही चीज जो मैंने आपको बताई है कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, नरेंद्र मोदी भी थे, तो इनका पर्सनालिटी कल्ट कुछ अलग था और उस कारण से जो पावर इन्होंने एक्सरसाइज करी है वो अलग रही है। फिर उसके बाद में विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, ठीक है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स भी आए जिनके समय पर हमने क्या देखा कि वो अपनी पोजिशन को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो सिंपल सी चीजें क्लियर है क्या कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है प्राइम मिनिस्टर का उसमें कितनी पावर है, उस पावर को किस तरह से यूज किया जा रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ठीक है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन उस पोजीशन को होल्ड कर रहा है। क्लियर? और देखें तो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कोलिजन पॉलिटिक्स। अब एक सवाल यहां पे आता है या फिर एक डायमेंशन अगर और देखें हम पावर्स की प्राइम मिनिस्टर की, तो वो ये है कि कोलिजन पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर की पावर का क्या हाल होता है। ठीक है, कोलिजन पॉलिटिक्स क्या है? कोलिजन पॉलिटिक्स सिंपल सी चीज मैंने जो आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, अब मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उन्हें अगर गवर्नमेंट बनाना है तो दूसरे पार्टनर्स को अपने साथ जोड़ना होगा। अब जब दूसरे पार्टनर्स को अपने साथ जोड़ना है तो वो कोलिजन बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक, अब इस कोलिजन पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अगर देखा जाए पावर किसकी, प्राइम मिनिस्टर की पावर, तो प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर की पावर कम हो जाती है। एरो देख रहे हो ना, नीचे जा रहा है वो, मतलब ऐसा क्यों होता है, सवाल ये भी है कि कोलिजन पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर की पावर कम क्यों हो जाती है। देखो सिंपल सी चीज है, मैथमेटिकल है बहुत ज्यादा, क्या कि कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है, अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड पीपल। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, अब आपकी पार्टी तो जीती नहीं, मेजोरिटी नहीं ला पाई है, तो आप दूसरी पार्टी के ऊपर रिलाय करते हैं, दूसरी पार्टी को अपना पार्टनर बनाते हैं। अब दोस्ती करिए तो दोस्ती निभाना पड़ेगी, ठीक है, वही चीज यहां पे करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो जो मिलके आती है आपस में, सारे साथ में गवर्नमेंट बनाती है, तो सभी की बात सुनना होगी आपको। ऐसा नहीं, मेजोरिटी पार्टी रहेगी तो क्या आप किसी की बात नहीं सुनोगे, अपने हिसाब से आपको जो ठीक लग रहा है वो करोगे। लेकिन जब आप कोलिजन में आते हो, दोस्ती करते हो, तो आपको दोस्त की बात मानना पड़ेगी ना। वही चीज यहां पे होती है कि कोलिजन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट पीपल के ओपिनियंस को, उनके आइडियोलॉजी को, उनके पर्सपेक्टिव को। क्लियर? उसके चलते क्या होता है, उसके चलते आप जितने इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी पावर को पहले एक्सरसाइज कर सकते थे, पहले मतलब मेजोरिटी वाले टाइम पीरियड पे, उतने इंडिपेंडेंट तरीके से अब एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। आया समझ में? तो इस सेंस में हमारा जो एक अलग डायमेंशन मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर की पावर कोलिजन पॉलिटिक्स के टाइम पे कम क्यों हो जाती है, तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, देयरफॉर ही शी इज रिक्वायर्ड टू हीड टू द व्यूज एंड पोजीशन ऑफ कोलिजन पार्टनर्स बिकॉज देयर सपोर्ट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ गवर्नमेंट। इस स्टेटमेंट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, ठीक है, आपका चेहरा भी कुछ इस तरह से हो गया होगा, लेकिन आपको समझाते हैं क्या है। देखिए क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर अपनी पोजीशन को कब तक इंजॉय करेंगे, जब तक उनके पास में मेजोरिटी होगी। ठीक है, अब अगर उनकी मेजोरिटी
चली गई तो उनकी पोजीशन चली जाएगी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। और कोलिजन गवर्नमेंट में उनकी मेजोरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कोलिजन पार्टनर्स के ऊपर। अब कोलिजन पार्टनर्स के ऊपर अगर आपकी मेजोरिटी डिपेंड करती है तो आपको क्या करना होगा? कोलिजन पार्टनर्स के ओपिनियंस के सामने क्या करना होगा? झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन पार्टनर्स का सपोर्ट, बिकॉज देयर सपोर्ट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट अगर आगे तक बनाए रखना है, चलाए रखना है, तो आपको उनका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। आई समझ में? इस सेंस में पॉलिटिकल ये जो कोलिजन पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती है, हमें देखने को मिलता है कि रिड्यूस हो जाती है। पावर वही रहती है, बस क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस के चलते प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है, झुक के चलना पड़ता है। क्लियर? और वहीं पे अगर जैसे आप प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स में देखोगे तो अभी यहाँ पे मेजोरिटी गवर्नमेंट है तो बोल्ड डिसीजंस लेना काफी आसान हो जाता है। क्लियर? तो हमने ये पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, तो एग्जीक्यूटिव वाला जो हम सेगमेंट पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या, प्राइम मिनिस्टर की पावर, प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नए एग्जीक्यूटिव्स को पढ़ेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? इसमें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।